सो हेलो गाइस, कैसे आप सब? आई होप ऑल गुड। सो इन टुडे वीडियो वी कैन सी एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले जान लीजिए हमारे प्राइम नंबर्स। तो मैंने जो इधर आपके लिए प्राइम नंबर्स लिख के दे दिए हैं, तो सबसे पहले देखते हैं इसका एक एग्जांपल। तो इधर एक एग्जांपल ले लेते हैं हम 2.5। देन आपको ऐसा करना है, बाद में जो है ये जो है सबसे छोटा वाला प्राइम नंबर हम इधर से ले लेंगे 2। देन 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1 कॉमा, और इससे नहीं होगा तो इसको क्या करना है, वैसे के वैसे हमको इधर लिख देना है। बाद में इसको जो है हम इसको जो है डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले छोटा हम ले लेते हैं 2, तो 2 से इन दोनों भी नहीं होगे, 3 से भी नहीं होगी, तो 5 से हो जाएगा। तो 5 को क्या करेंगे, 5 इधर लिख देंगे। देन इसको जो है वैसे के वैसे लिख देंगे, बाद में 5 हो गया 5। तो देख लीजिए यहाँ पे हमारा आंसर आ गया है। तो बाद में आपको क्या करना है, इसको 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 मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 × 5 × 1, तो ये हो जाता है हमारा 10। तो 10 को जो है 10 जो है हमारा 2 और 5 का एलसीएम है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स रफ इट एंड सी सेकंड एग्जांपल। तो सबसे पहले इसको रफ कर देते हैं। तो अभी हम सेकंड एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं 3.2। अगर आपको ऐसा एग्जांपल आया तो आपको क्या करना है, इससे वैसे ही हमको इधर स्टेप करना है, बाद में छोटा हमारा प्राइम नंबर इधर से ले लेंगे। तो 2 जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा, वैसे कि वैसे इधर लिख लेंगे और इधर 2 वैसे सॉरी 2 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा 1 से। देन इसको क्या करेंगे, 2 से जो है 3 नहीं होगा, इसलिए इससे बड़ा है 3, तो 3 को हम इधर ले लेंगे और 3 × 3 और 1 को हम वैसे के वैसे लिख देंगे। तो देख लीजिए इधर भी हमारा आंसर आ गया है। बाद में ही दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 6। तो 6 है 3.2 का एलसीएम। सो सबसे पहले इसको रफ कर देते हैं हम। तो यहाँ पे हम थर्ड एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं 7.8। अगर आपको ऐसा आया तो आपको क्या करना है, वैसे के वैसे यहाँ पे लिख देना है ऐसे। देन जो है सबसे छोटा है हमारा 2, तो 2 इधर लिख देंगे। 2 जो है 7 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 7 वैसे के वैसे .8। तो 8 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 4। देन आपको क्या करना है, फिर से जो है 2 ही इधर ले लेना है, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट है हमारे, इसलिए जो छोटा है वही इधर से ले लेंगे। तो 2 जो है 7 से फिर से नहीं होगा, इसलिए 7 वैसे के वैसे और 2 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2। देन अब क्या करना है, फिर से 2 ले लेना है 7 वैसे के वैसे एंड 2 × 2। बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो है अभी 7 हमारा बच गया है और इधर 1 है, तो क्या करेंगे, 7 को हम इधर से ले लेंगे, क्योंकि जो है 3 से भी 7 डिवाइड नहीं होता है, 5 से भी नहीं होता है, 9 और 11 से तो होता ही नहीं है। तो सबसे पहले इधर 7 लिख देंगे और 7 × 7 1 वैसे के वैसे। तो देख लीजिए यहाँ पे भी हमारा आंसर आ गया है। तो सबसे पहले इन 4 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 × 4 4 × 8 एंड 8 × 7 जा होता है हमारा 7 × 8 जा, तो यहाँ पे 56 यहाँ पे हमारा जो आंसर आ जाएगा 56 इधर लिखेंगे और 56 जो है 7 और 8 का एलसीएम है। तो सबसे पहले इसको भी रफ कर देते हैं और मिलते हैं हमारे फोर्थ एग्जांपल की तरफ। तो यहाँ पे हम फोर्थ एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे 5.7। तो आपको क्या करना है, वैसे हमें कंसेप्ट जो है यहाँ पे ले लेना है। तो सबसे पहले 2 ले लेते हैं, तो 2 से 5 भी डिवाइड नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, तो 3 लेंगे तो 3 से भी नहीं होगा, और 5 ले लेंगे तो 5 से हो जाएगा, 5 × 5 = 7 वैसे के वैसे। देन 7 इधर ले लेंगे, 7 × 1 = 1। तो अभी जो इसका भी आंसर यहाँ पे हमारा आ गया है। तो इन जो ये जो 7 और 5 है, इन दोनों को हम जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 35। तो 35 इज द एलसीएम ऑफ 5.7। तो सबसे पहले इसको रफ कर देते हैं और लेट्स मूव टू फिफ्थ एग्जांपल। तो अभी हम फिफ्थ एग्जांपल ले लेते हैं 10.8। तो आपको क्या करना है, ये जो है दोनों के दोनों 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाते हैं, तो इधर 2 लिख देंगे, 2 × 5 = 10 2 × 8। बाद में इधर से 2 ले लेंगे क्योंकि इधर हमारा 4 है जो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 × 4
5 ऐसे के वैसे मैंने इधर से 2 1 कॉमा 5 देन इधर से इधर 5 डालेंगे क्योंकि इधर हमारा सिर्फ 5 ही बचा है सो 5 को जो है हम इन 6 में से एक भी डिवाइड नहीं होता है सिर्फ 5 को 5 से ही डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा तो 5 को हम 5 1 का ले लेंगे एंड इधर 1 के वैसे के वैसा तो देख लीजिए इधर भी हमारा आंसर आ गया है तो इन तीनों को जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 1 का 2 सॉरी 2 2 का 4 एंड 4 2 का 8 एंड 8 फॉर द 40 40 इज अ मल्टीपल एलसीएम ऑफ 10 कॉमा 8 तो सबसे पहले लेट्स मूव टू 6 एग्जांपल तो सबसे पहले इसको रन कर देते हैं तो यहां पे हम 6 एग्जांपल ले लेते हैं 8 कॉमा 9 तो आपको क्या करना है वैसे ही जो हमारी प्रोसेस है वो इधर ले लेना है तो अपन को क्या है अपन को जो है ये पता चल गया है ये जो है 8 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा पर ये जो 9 है वो 3 से हो जाएगा 2 से नहीं तो इधर 2 ले लेंगे 2 4 दा 8 देन 9 ऐसे के वैसे 2 2 दा 4 कॉमा 9 देन इधर क्या करेंगे वैसे 2 ले लेंगे 1 9 देन इधर क्या करेंगे 2 से जो है बड़ा 3 है तो आपको क्या लगेगा इधर जो 9 है तो 9 को क्या करेंगे हम डायरेक्ट से 9 ले लेंगे तो वैसे आपको नहीं करना है डायरेक्ट ही जो 3 है उसको इधर ले लेना है अगर आप 3 भी लेंगे तो वैसा ही प्रोसेस होगा और 9 लेंगे तो जो है वैसा ही प्रोसेस होगा और वैसा ही आंसर आ जाएगा तो हमको क्या करना है अभी 3 ले लेंगे क्योंकि 3 जो है थोड़ा सा लॉन्गेस्ट हो जाएगा और लॉन्ग हम करेंगे तो आपको जो है ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं तो सबसे पहले इधर 3 ले लेंगे 3 3 का 9 देन 1 वैसे के वैसे देन 3 फिर से ले लेंगे 3 1 का 3 तो देख लीजिए इधर हमारा आंसर आ गया है तो इन जो 5 है हमारे 5 जो संख्या है डिजिट है इनको जो है मल्टीप्लाई कर देंगे सो 2 टू द 4 4 टू द 8 8 3 जा 24 एंड 24 3 जा 24 मल्टीप्लाई 3 4 3 जा 12 3 टू द 6 एंड 1 72 तो इधर 72 हमारा आंसर है 8.9 का सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स रफ इट तो अब हम 7 वाला एग्जांपल ले लेते हैं 11 तो 11 इधर ले लेंगे और इधर 12 तो आपको क्या करना है वैसे ही प्रोसेस इधर से ले लेने हैं बाद में जो है 11 क्या है 11 किससे भी मल्टीप्लाई किससे भी डिवाइड नहीं होगा 2 से नहीं होगा 3 से नहीं होगा 5 से नहीं होगा 7 से नहीं होगा एंड 9 से नहीं होगा तो ये जो 12 है ये 2 से भी हो जाएगा 3 से भी हो जाएगा बस 2 एंड 3 से हो जाएगा तो हम क्या करेंगे सबसे छोटा हमारा 2 तो 2 इधर ले लेंगे 2 6 जा 12 देन अराउंड वैसे के वैसे देन फिर से 2 ले लेंगे एंड 2 3 जा 6 11 वैसे के वैसे देन आपको क्या करना है इधर 3 है तो 2 जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा एंड 3 जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 जो है सिर्फ 3 से डिवाइड हो जाएगा तो हम इधर 3 ले लेंगे देन 3 1 जा 3 कॉमा 11 तो आपको क्या करना है अभी 2 नहीं लेना है 3 नहीं लेना है 5 नहीं आपको सिर्फ लेना है 11 तो 11 जो है सिर्फ 11 से डिवाइड हो जाएगा 1.1 तो देख लीजिए इधर भी हमारा आंसर आ गया है सो 2 2 जा 4 4 3 जा 4 3 जा 12 एंड 12 11 जा 12 11 जा होता है हमारा जी सर कर देते हैं 12 एंड 2 11 1 2 जा 2 देन 1 जा 1 देन 2 जा 2 देन जा 1 2 तो अभी क्या करेंगे हम जो है 12 का जो मल्टीप्लाई है 11 से कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 2 1 जा 2 देन 1 1 जा 1 देन क्या करेंगे 2 1 जा 2 देन 1 1 जा 1 तो इधर हमारा आंसर आ रहा 12 12 तो इधर इसका जो मल्टीप्लाई है 11 एंड 12 का ये है 11 1 2 2 ये हमारा आंसर है सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स रफ इट एंड लेट्स मूव टू 8 एग्जांपल सो अभी 8 वाला एग्जांपल में हम लेते हैं 3 कॉमा 5 3 1 जा 3 एंड 5 1 जा 5
देख लीजिए इसका आंसर जो है आंसर मुझे आ गया 5 3 15 3.5 इज एलसीएम सॉरी 15 इज एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 सो सबसे पहले इसको रफ कर देते हैं लेट्स मूव टू 9th एग्जांपल सो 9th वाले एग्जांपल में हम देखते हैं 5, 10 अभी जो है दोनों के दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे नहीं 2 से नहीं हो गए हैं ये जो 5 से हो जाएगी 5 1 5 5 2 10 बाद में इधर 2 ले लेंगे 2 1 2 देन कॉमा 1 तो देख लीजिए कितने आसानी से इसका भी आंसर आ गया है 5 2 10 10 इज द एलसीएम ऑफ 5 एंड 10 तो सबसे पहले इसको रफ कर देते हैं लेट्स मूव टू एंड एग्जांपल सो 8th वाले एग्जांपल में हम देखेंगे मतलब लास्ट मतलब 10th वाले एग्जांपल में हम देखेंगे 9, 10 तो अभी आपको ऐसा अगर एग्जांपल आया ऐसे टाइप का तो आपको क्या करना है ये जो है 3 से 9 डिवाइड हो जाएगा 2 से 10 तो आपको याद रखना सबसे पहले 2 ले लेना है क्योंकि 2 जो है छोटा है 2 5 10 देन 9 को जो है वैसे के वैसे लिख देंगे देन आपको क्या करना है इधर जो है 3 ले लेना है क्योंकि जो है 3 जो है 9 से डिवाइड हो जाता है पर 5 से नहीं पर 5 जो है 5 से डिवाइड हो जाता है तो 5 और 3 में से छोटा अपना जो स्मॉलेस्ट डिजिट है वो है 3 तो 3 को हम सबसे पहले ले लेंगे तो 3 3 9 5 तो देख लीजिए फिर से 3 ले लेंगे 1 5 अभी जो है अपने बारी आ गई है 5 की तो इधर 5 ले लेंगे 1 तो देख लीजिए इसका भी आंसर अभी आया है तो अभी क्या करेंगे 5 3 जा कर सकते हैं जो 2 3 जा 2 3 जा 6 6 3 जा 18 एंड 18 5 जा 18 मल्टीप्लाई 5 5 8 जा इक्वल्स टू 40 5 जा 5 4 90 इधर हमारा आंसर आ जाता है 90 इज अ मल्टीपल एलसीएम ऑफ 9 एंड 10 तो यहां पे हमारा वीडियो खत्म होता है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत